गाइस कैसे हैं आप लोग। आज की जो ये वीडियो है ई कॉमर्स बिजनेस की सच्चाई के ऊपर है। सच्चाई मीन्स काफ़ी कुछ इस बिज़नेस में ऐसा है जो आप लोगों को नहीं पता होगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की ये जो वीडियो है ना, सिर्फ उन लोगों के काम की है जो ये बिज़नेस अभी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया, अभी स्टडीज़ कर रहे हैं इस बिज़नेस के ऊपर, समझ रहे हैं इस बिज़नेस को, या काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख के काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया लग रहा है ये बिज़नेस, तो उनको कुछ समझाने के ऊपर है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं, मेल्स आती हैं उन लोगों की जिन्होंने अभी ये बिज़नेस शुरू नहीं किया, तो मुझ में थोड़ी सी एक कमी है, मैं आप लोगों को बताऊं। अब वो क्या कमी है मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो ये कमी है कि मैं उस सेलर की हेल्प कर सकता हूं जो ये बिज़नेस ऑलरेडी कर रहा है और उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस बिज़नेस के अंदर। मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूं कि अगर वो इस बिज़नेस में आ गया है लेकिन अब उसको वो कहीं फंस गया है और उसको लग रहा है कि मैं यहाँ कैसे निकलूँ, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करे और मैं उसको ज़रूर सॉल्यूशन बताऊँगा। लेकिन मैं ऐसे किसी भी मेरे व्यूअर्स की हेल्प नहीं कर सकता जो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। तो ओवरऑल समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि आओ और ये बिज़नेस स्टार्ट करो। मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं और मैं उनको डायरेक्ट मना कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है पैसे कमाने का, तो सबसे पहले वहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मुझे यही बिज़नेस करना है, तो आप इस बिज़नेस में आइए। मैं कभी भी किसी इंडिविजुअल को नहीं कहता कि आप ये बिज़नेस कीजिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ओवरऑल क्या होता है, ये बिज़नेस एक सेल परचेज का बिज़नेस है। आपने क्या करना होता है कि आप अपने सप्लायर, मैन्युफैक्चरर या जो भी है जिससे आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, होलसेलर, उससे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हैं, आपका बायर आपका प्रोडक्ट देखता है और वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है, फिर आप उसको शिप कर देते हैं, वो उसको डिलीवर हो जाता है और डिलीवर होने के बाद मार्केट प्लेस वाले अपनी कमीशन काट के आपको आपका पैसा दे देते हैं, ठीक है। ओवरऑल यही एक बिज़नेस मॉडल है ना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली ये प्रॉब्लम आती है कि आपका सप्लायर जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे देंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है आपको नॉलेज हो, आपने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। उसके बाद प्रॉब्लम आती है उस प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस की वेबसाइट पे लिस्टिंग करना, उसको प्रेजेंट करना अपने कस्टमर के आगे, उसकी फ़ोटोशूट करवाना। अगर आप कर नहीं सकते तो आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको फ़ोटोग्राफर ढूंढना या फिर फ़ोटोशूट करना सीखना, ये भी इस बिज़नेस का पार्ट है, ठीक है। तो एक नया टास्क बढ़ गया जो आपने नहीं सोचा होगा। चलो जी, आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आ गई, ठीक है, आपने लिस्टिंग कर दी। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट प्लेस वाले आपसे उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन चार्ज करेंगे। मैक्सिमम नए सेलर्स को नहीं पता होता कि कितना कमीशन सही से चार्ज होगा, या वो कैलकुलेशन सही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लॉस में चला जाते हैं और इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आपको अकाउंट्स भी बहुत अच्छे से आना चाहिए इस बिज़नेस के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि इस बिज़नेस में आप और आपके कस्टमर के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, ठीक है ना। आपने प्रोडक्ट खरीद के कस्टमर को सेल तो कर दिया, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको आप नहीं जानते, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले शिपिंग सर्विस, आपको पता होना चाहिए कि अच्छी और सस्ती शिपिंग सर्विस कौन सी है, ठीक है। ज़्यादातर लोग सिर्फ सस्ती शिपिंग सर्विस के पीछे भागते हैं, लेकिन अच्छी शिपिंग सर्विस भी चाहिए आपको, सिर्फ सस्ती नहीं, जो टाइम पे डिलीवरी भी दे आपके कस्टमर को, ठीक है। कई लोग नए सेलर क्या करते हैं कि सस्ती के चक्कर में ऐसी शिपिंग सर्विस यूज़ कर लेते हैं जो कस्टमर के पास प्रोडक्ट 10 दिन में पहुंचाती है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट 10 दिन में गया तो कस्टमर लेगा नहीं, लेकिन आपका शिपिंग का चार्ज लग जाएगा। नए सेलर को ये नहीं पता होता और वो नुकसान में चला जाता है, ठीक है। दूसरा, नए सेलर को ये नहीं पता चलता कि जो शिपिंग का चार्ज है वो वेट के हिसाब से भी लगता है और वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से भी लगता है, उसके साइज़ के हिसाब से भी लगता है। तो ओवरऑल वो बड़ी बड़ी चीज़ें, हल्की चीज़ें जो लाइट वेट होती है लेकिन साइज़ में बड़ी होती हैं, वो बेच देते हैं और वो कैलकुलेट नहीं कर पाते अपना शिपिंग चार्ज और वो लॉस में चले जाते हैं, तो यहाँ भी नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा मैं बता दूँ, आप ये सारा कुछ पास कर लें,
और अपना प्रोडक्ट अपने बायर को शिप कर दें, ठीक है ना। और हो सकता है आप अपनी थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस ना यूज़ करें, आप मार्केट प्लेस की कोरियर सर्विस यूज़ करें। मैं यहाँ किसी मार्केट प्लेस का नाम नहीं ले रहा हूँ, सारे मार्केट प्लेस ओवरऑल सेम ही होते हैं, इसलिए मैं मार्केट प्लेस बोल रहा हूँ। इसमें अमेजोन भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट भी हो सकता है, पेटीएम भी हो सकता है, शॉपक्लूज भी हो सकता है, स्नैपडील भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल सारे मार्केट प्लेस की पॉलिसी लगभग बराबर ही है, ठीक है ना। तो अब आपने अपना प्रोडक्ट शिप तो कर दिया अपने बायर को, तो आपको लग रहा होगा मेरी शिपिंग भी कंप्लीट हो गई, बस डिलीवरी होने वाली है। जैसी वो डिलीवरी होगी उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद मेरा पैसा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे क्या ट्विस्ट आ जाता है, आपके बायर को जो प्रोडक्ट मिला है ना, आपका बायर पहले उसको कंपेयर करेगा अपने खर्चे हुए पैसे के हिसाब से कि जितना पैसा उसने खर्चा है ना उतने तक की क्वालिटी उसके पास आई है या नहीं आई है। और आपने कैसे कैलकुलेट करके शिप किया है, आपने प्रोडक्ट को परचेज किया है, उस पर शिपिंग चार्ज लगाया है, पैकिंग चार्ज लगाया है, मार्केट प्लेस की फीस लगाई है और अपना प्रॉफिट लगाया है। पांच खर्चे तो मिनिमम आपने लगाए ही हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। बायर को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बायर को तो पता है मैंने 500 रुपये पे किए हैं तो मेरे पास कम से कम 500 रुपये का तो सामान आना चाहिए, उससे ज़्यादा आ जाएगा तो अच्छी बात है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो उसकी क्वालिटी चेक करता है, अगर बायर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो वापस कर देगा वो प्रोडक्ट और उसमें आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का भी पहले से पता होना चाहिए। कुछ सेलर्स को नहीं पता होता कि रिटर्न भी आने वाली है प्रोडक्ट की, वो बिल्कुल अनजान होते हैं इस चीज़ से। ओवरऑल लास्ट में जब महीने में या 15 दिन में जब उनको पता चलता है ना धड़ाधड़ पैकेट वापस आ रहे हैं हमारे, तब वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचते हैं अब क्या करें इसका, और वो ये बिज़नेस को छोड़ देते हैं। तो पहले से नॉलेज होनी ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में। आपके पास नॉलेज नहीं है तो टाइम लगाइए और समझिए, सीखिए, तभी इस बिज़नेस के अंदर आइए। दूसरा मैं आपको बता दूँ, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बायर प्रोडक्ट को लेते ही नहीं है, चाहे वो प्रीपेड ऑर्डर हो चाहे वो COD ऑर्डर हो। बायर क्या करता है, जब उसके पास डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट आता है वो रिटर्न कर देता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, हो सकता है अब उसको लग रहा हो वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अब लग रहा हो कि ये प्रोडक्ट महंगा है, हो सकता है उसने मार्केट से सेम प्रोडक्ट परचेस कर लिया हो सकता है उसने टाइम पास के लिए ऑर्डर कर लिया हो, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट प्लेस की पॉलिसी है कि बायर वो प्रोडक्ट वापस कर सकता है बिना लिए, लेकर भी कर सकता है और बिना लिए भी कर सकता है। तो इसमें आपका शिपिंग चार्ज तो लग जाएगा। अब आपका जो शिपिंग चार्ज है, हो सकता है आपके प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो, हो सकता है उस पर शिपिंग चार्ज 80 रुपया लगा हो और आपका प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपया हो, तो ओवरऑल आप लॉस में चले गए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान नहीं होता नए सेलर्स को और वो लॉस उठा लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हो सकता है आपका बायर वापस ना करें, अपने पास रख ले, और वो क्वालिटी भी इतनी अच्छी दी हो आपने कि यहाँ जितना बायर ने पे किया है उतने की आपने क्वालिटी दी है। यहाँ एक नया ट्विस्ट आ जाता है गेम के अंदर। क्या ट्विस्ट आ जाता है मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपका बायर ज़्यादा समझदार है। आपके बायर को पता है क्वालिटी तो बहुत अच्छी मिल गई, अब कुछ गेम खेली जाए इसके साथ, वो झूठ बोल देगा क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो ये बोल देगा टूटा हुआ मिला है, वो ये बोल देगा खराब मिला है, वो ये बोल देगा एम्प्टी बॉक्स मिला है, वो ये बोल देगा साबुन मिला है अंदर से, और वो ये भी बोल देगा पत्थर मिला है अंदर से, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ आप फंस जाएंगे फिर से मार्केट प्लेस के पॉलिसी के अंदर, आप परेशान हो जाएंगे क्या करना है मैंने, क्योंकि आपने तो सामान भेजा था, अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कैसे कि आपने भेजा था या नहीं भेजा था, ठीक है। मार्केट प्लेस तो आपसे पूछेगा, वो बायर से सवाल नहीं करेगा, वो बायर को भगवान मानता है, जो बायर बोलता है वही होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो आप समझ लीजिए क्या है ये बिज़नेस। देखने में तो लगता है हाँ भाई बहुत पैसा कमा रहे हैं सब, लेकिन अंदर जाके पता चलता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके अंदर। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब आपका बायर आपसे झूठ बोल देगा तो आप तो अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है ना, रोना निकल आता है बिल्कुल कि अब ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो इतनी महंगी कॉस्टली चीज़ भेजी थी, अब ये झूठ बोल रहा है मेरे को। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते बायर का, मैक्सिमम जो पॉलिसी है बायर के फेवर में है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं आज आपका बायर बहुत अच्छा था, उसने प्रोडक्ट तो रख लिया, वापस नहीं किया, ठीक है, अब तो आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ आपका प्रोडक्ट अच्छा था, बायर ने रख भी लिया, पॉजिटिव फीडबैक भी दे दिया। एक और नया ट्विस्ट आ जाएगा, एक और नया ट्विस्ट ये आ जाएगा, आपको यही नहीं पता कि मार्केट प्लेस ने उसके ऊपर कमीशन कितना चार्ज किया है। हो सकता है उसके ऊपर 15% कमीशन हो, मार्केट प्लेस ने 25% चार्ज कर लिया हो, आपको ये भी नहीं पता चलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, क्योंकि आपको अकाउंट्स तो अच्छे से आता नहीं है, ठीक है ना, या आपको पता नहीं था ऐसा भी होता है, तो ये कैसे आप चेक करेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि जब आप नई लिस्टिंग लिस्ट करते हैं, नया प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, पहली बार सेल होता है, मार्केट प्लेस ने उसके ऊपर कितना चार्ज किया, सही किया या गलत किया, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम केसेस में मार्केट प्लेस गलत चार्ज कर देता है और पता नहीं चलता और आप बस कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे तो प्रॉफिट आ जाता है, अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आता किसी के भी, लास्ट में पता चलता है पैसा लगाया था, गया कहाँ हमारा पैसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
दूसरी बात मैं और बता दूं आपको, चलो मार्केट प्लेस अगर ज़्यादा पैसा चार्ज भी कर लेता है ना, आप उसको सिर्फ एक मेल में नहीं बोल सकते कि आपने मेरे से ज़्यादा पैसा चार्ज किया है। वो कहता है प्रूफ करो कैसे चार्ज किया है, कितना करना चाहिए था और कितना किया है, कितना परसेंट फालतू किया है, वो टोटल अमाउंट कितना बनता है। एक फाइल पकड़ा देगा आपके हाथ में और फिल करने के लिए बोल देगा आपको, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपने प्रोडक्ट शिप कर लिया, आपके बायर ने प्रोडक्ट ले लिया, मार्केट प्लेस में भी बहुत अच्छा आपको चार्ज लगा लिया, ठीक है, सब कुछ अच्छा सा हो गया, ठीक है। अब आने वाली प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं सॉरी, जब वो पैसा आपके अकाउंट में आया और आपको पता चला यार कैलकुलेशन तो सब कुछ सही थी लेकिन मैं ये एक चार्ज लगाना भूल गया इसके ऊपर, अब तो मैं घाटे में चला गया, ठीक है। तो आपने कैलकुलेशन में कुछ उसके ऊपर कोई शिपिंग चार्ज गलत लगा दिया, लिस्टिंग चार्ज नहीं लगाया आपने, उसके ऊपर बॉक्सेस लगाए हैं, पन्नी लगाई है, वो नहीं लगाया, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, इसमें हो सकता है क्या हो रहा है, रोज़ हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सारी बातें मेरे पास हैं क्योंकि ये हो रही है, ये बनाई हुई बातें नहीं है, रियलिटी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, एक केस जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपका प्रोडक्ट बायर बिना लिए ही किसी भी कंडीशन में वापस हो सकता है, तो वहाँ तो आपने कैलकुलेशन लगा लिया, 80 रुपया कोरियर चार्ज लग गया, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है प्रोडक्ट वापस ही नहीं आता, कभी कभी खाली बॉक्स वापस आ जाते हैं, 80 रुपया कोरियर चार्ज भी लग गया और खाली बॉक्स भी वापस आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते, सेफ्टी क्लेम करते हैं, मार्केट प्लेस से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो बहुत ही कम चार्ज आपको मिलता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट भी नहीं निकलता उसके अंदर, ठीक है। मार्केट प्लेस बोलता है जी आपके 15 कोरियर वापस आ रहे हैं हमारी कोरियर कंपनी की तरफ से, आपके पास एक पहुंचता है, आप बोलते हैं ना 14 नहीं आए, वो कहते हैं हमने तो दे दिया, आप कहते हैं आप मेरे पास नहीं आए, वो सुनते नहीं है आपकी, ये टोटल लॉस में जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना, ये सब हैंडल कर सकते हो तो ही ये बिज़नेस को स्टार्ट करो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है बिज़नेस को स्टार्ट करने की, बहुत सारे बिज़नेस पड़े हैं और ज़रूरी भी नहीं बिज़नेस करो, जॉब्स भी बहुत सारी पड़ी हैं, ठीक है। हाँ, जो ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे हैं, फंस गए हैं इस बिज़नेस के अंदर, सोच रहे हैं कि हाँ भाई कोई मुझे हेल्प कर दे तो उसके लिए मैं हूँ, लेकिन अगर आपने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो ये सारी बातों का ध्यान रखना, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, ये बिज़नेस की सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस बिज़नेस में आपके और आपके कस्टमर के बीच में इतने सारे बंदे हैं, अगर ऐसा हो कि सिर्फ आपका कस्टमर के बीच में सिर्फ आपकी टीम हो तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन डेली नया कोरियर वाला है, डेली नया पिकअप करने वाला है, डेली नया डिलीवरी करने वाला है, रोज़ नया स्टेट है, रोज़ एरिया नया है बायर का, रोज़ बायर नया है आपका, ठीक है, आप समझ रहे हैं, इतनी सारी चेंजेस रोज़ आ जाते हैं, आप मतलब इसको स्टेबल नहीं चला सकते इस बिज़नेस को। आपने जो आपके यहाँ डिलीवरी करने आया, आपने उसको बहुत अच्छे से समझाया, उसको चाय पानी पिलाया, सब कुछ किया, अब वो आपके फेवर में बात करता है, आपके पैकेट अच्छे से ले जाता है सेफली, लेकिन बायर के स्टेट में जो बायर को डिलीवरी करने वाला है उसको तो आप नहीं जानते ना, ठीक है, जो बायर आपका है उसको आप नहीं जानते, डेली नए ऑर्डर्स, नए बायर्स, नई प्रॉब्लम्स, डेली नई प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने इस बिज़नेस में आपको बता दी, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर बोलता जाऊँगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी। ओवरऑल समझाने का मतलब यही है कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, कम से कम नहीं तो 50 बार सोचिएगा इस बिज़नेस को करने के बारे में, तो ही इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी मार्केट प्लेस है मुझे कुछ भी पैसा नहीं दे रहा ये वीडियोज़ बनाने का, और कोई भी नहीं दे रहा है, वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाई जा रही हैं जो ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे हैं। मैं इस बिज़नेस में क्या कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, मैं इस बिज़नेस में कौन सी ट्रिक्स यूज़ करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स आई वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियोज़ बनाने का। तो वो जो लोग हैं मुझे फ़ोन करते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ ये बिज़नेस शुरू करने में, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे ऐसा फ़ोन मत कीजिए कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करूँ, नहीं, आप ये बिज़नेस चला रहे हैं उसके अंदर मैं हेल्प करूँगा बिल्कुल, स्टार्ट करने में ये बिज़नेस में मैं हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूँगा आपकी। आई होप मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें आप लोगों को ठीक से समझा पाया हूँ इस बिज़नेस के बारे में, और आपको भी समझ आई हो। अगर आपको लगता है मैं कहीं गलत हूँ या मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या आपको लगता है मैंने बहुत अच्छा बोला, इससे आपका फ़ायदा हुआ और मैंने सच बोला, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।